बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलीलॉजिक्स। इस लेक्चर में हम फिज बस पे प्रोग्राम बनाएंगे। रूल्स ये होंगे, यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा, अगर वो नंबर 3 और 5 पे डिवाइड होगा, दोनों पे डिवाइड होता होगा तो फिज बस प्रिंट होगा, अगर वो नंबर सिर्फ 3 पे डिवाइड होगा तो फिज प्रिंट होगा, अगर वो नंबर सिर्फ 5 पे डिवाइड होगा तो बस प्रिंट होगा, और अगर वो 3 और 5 किसी पे भी डिवाइड ना हो तो प्रिंट होगा नॉट डिविजिबल। सो ये रूल्स हैं और इन्हीं को देखते हुए हम प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया नम, और अब आउटपुट स्टेटमेंट stdout.write एंटर ए नंबर, नंबर बराबर हो जाएगा int डॉट पार्स stdin डॉट रीड लाइन सिंक। सो फर्स्ट कंडीशन हम ये देखेंगे कि 3 और 5 दोनों पे डिवाइड होता है कि नहीं। सो इफ num mod 3 इज इक्वल टू 0 एंड num mod 5 इज इक्वल टू 0, हमें किस तरह पता चलेगा कि नंबर जो है वो 3 पे मुकम्मल डिवाइड होता है? अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, फुल डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अगर वो नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है तो वो 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। सो इसका मतलब है कि दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में हम प्रिंट करेंगे फिज बस को, और इसको हम एल्स इफ लेटर के साथ कर लेते हैं। अगर वो सिर्फ 3 पे डिवाइड हो तो इसके लिए हम प्रिंट करेंगे जस्ट फिज। फिर एक और एल्स इफ, अगर वो डिवाइड हो रहा है 5 पे तो इसके लिए हम प्रिंट करेंगे बस। तो ये सिचुएशंस हो गई हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 3 और 5 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो फिज बस, और चूंकि एल्स इफ है तो फिर बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों पे ना हो तो फिर हम देखेंगे कि सिर्फ 3 पे हो रहे तो फिज, अगर सिर्फ 5 पे हो रहे तो बस, और सबसे एंड में एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट नॉट डिविजिबल, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जब ऊपर तमाम गलत हो जाएंगे तो फिर ये एल्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैं ऐसा नंबर देता हूँ जो दोनों पे डिवाइड हो, लेट्स सपोज 15 है, 15 जो है वो 3 पे भी होता है और 5 पे भी होता है, तो फिज बस प्रिंट हो गया है। अब अगर ये नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ 3 पे हो, लेट्स सपोज 9 है, तो इसके लिए फिज प्रिंट होगा। अब अगर ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 5 पे हो, लेट्स सपोज 25, ये सिर्फ जो है 5 पे डिवाइड होता है तो बस प्रिंट हो रहा है। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि ना 3 पे होता है और ना 5 पे, लेट्स सपोज 16 है, 16 ना तो 3 पे डिवाइड होता है और ना 5 पे डिवाइड होता है, सो हमें मिलेगा नॉट डिविजिबल। तो इस पे भी एक तो एंड का लॉजिक क्लियर हो रहा है और साथ में इफ एल्स इफ जो लेडर है उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।